नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी बैंक के कामकाज के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी करें, और खासकर बैंक अगर जाने की सोच रहे हैं तो एक बार ये जरूर कंफर्म कर ले कि बैंक आपका खुला भी है या नहीं, क्योंकि अब आगामी 27 जून को देश भर में राष्ट्रव्यापी बैंकों की हड़ताल होने जा रही है। ये निर्णय मुंबई में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन संयोजक संजीव कुमार बंदलिस की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ली गई है। इस एक दिवसीय हड़ताल में लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 25 जून को चौथे शनिवार और 26 जून को रविवार की छुट्टी और इसके अगले दिन हड़ताल रहने वाला है। ऐसे में बैंक कुल मिलाकर 3 दिन बंद रहेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये बैंक हड़ताल आखिर है क्यों, तो हम आपको बता दें कि ये हड़ताल सप्ताह 5 दिवसीय बैंकिंग पेंशन अपडेशन एनपीएस को वापस लेकर पुराने पेंशन को चालू करने, बकाए सर्विस कंडीशन को लागू करने, कैथोलिक साइरन बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में द्विपक्षीय वेतन समझौता लागू करने आदि मांगों को लेकर हो रही है। बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव मृत्युंजय मिश्रा की माने तो मुंबई में UFBU और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच लंबी वार्ता हुई, लेकिन बैंक यूनियन के बैंक पर सहमति नहीं बनने पर एक दिवसीय हड़ताल का निर्णय अब लिया गया है। इसमें देश के सभी बैंक यूनियन शामिल होंगे। बैंक हड़ताल की सफलता को लेकर सदस्यों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसको लेकर हड़ताल से पूर्व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस हड़ताल के बाद भी केंद्र सरकार हमारी मांग को बैंक कर्मियों ने साफ कहा है कि अगर नहीं सुनेगी तो आगे आंदोलन और सशक्त होगा, जिसके बाद अब बैंक के अधिकारियों का मानना है कि इससे आने वाले समय में कैश की समस्या हो सकती है। जिन शहरों में थर्ड पार्टी ATM में कैश भरती है वहां तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस दौरान जिन भी ATM में बैंक कर्मचारी पैसे भरते हैं वहां कैश की समस्या होनी ही होनी है। बैंक बंद होने के कारण अब सभी जरूरी काम पहले ही करना होगा। पैसे निकालने या जमा करने जैसे बैंक से संबंधित किसी भी काम को इस दौरान नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में अब अगर आप भी बैंक से संबंधित काम को करने की सोच रहे हैं तो जाने से पहले एक बार डेट जरूर देख ले, जिससे कम से कम आपका काम भी ना रुके और आप आसानी से कैश नहीं होने के झमेले से भी बच जाए, साथ ही आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। हालांकि बैंकों की तरफ से इस हड़ताल का फैसला वापस लिया जाता है या हड़ताल जारी रहती है ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बैंकों की तरफ से किए गए घोषणा के अनुसार 27 जून को देशव्यापी बैंक बंद रहने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।